अमावस्या के दिन जिस तरह से दैनिक शिव टाइम की ओर से लंगर का आयोजन किया जाता है, इस समय रविंदर रैना जी भी हाजिरी लगाने पहुंचे हैं यहाँ पर लंगर के लिए। यहाँ पर रविंदर रैना जी का यहाँ का आगमन हुआ है। सर इस समय और इस समय रविंदर रैना जी पहुंचे हैं, पूर्व मेयर जो जम्मू के चंद्रमोहन गुप्ता जी भी पहुंचे हैं। और इस समय हर महीने जो कि लंगर यहां पर आयोजन किया जाता है, जो आने वाले यहां पर लोग होते हैं, यात्री श्रद्धालु जो भी होते हैं, आवाज जाने वाले लोग होते हैं यहां पर, और रविंदर रैना जी हर धर्म कार्य में पहुँचते हैं। रविंदर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने आमंत्रित किया और आप पहुँचे हैं। हर धर्म कार्य हो, सामाजिक सियासी जो भी होते हैं, रविंदर रैना जी हर जगह पहुँचते हैं। आपका धन्यवाद, आपने हमारी एक काल पर आप यहाँ पर पहुँचे। हम सेवादार हैं गरीबों के, मस्कीनों के, बेसहारा लोगों के। हमारा काम है सेवा करना, और अध्यात्म हो, भक्ति भाव हो, पूजा पाठ हो, हर इंसान के अंदर अध्यात्मवाद होना चाहिए। उसी से ही आदमी के मन में सेवा भाव आता है। सेवा करनी चाहिए जहाँ भी मौका लगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ जो दैनिक शिव टाइम के हमारे साथी सहयोगी हैं, एडिटर इन चीफ है, हमारे वाली टीम यहाँ पूरी है सर। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको, रविंदर गुप्ता जी के बड़े सेवा भाव से यहाँ ये लंगर का आयोजन करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई दान पुण्य यज्ञ हवन इत्यादि करता है, या जब कोई व्यक्ति सेवा भाव से काम करता है, जब कोई व्यक्ति गरीबों की खिदमत करता है, जब कोई गरीब बच्ची की शादी हो तो उसका, जब उस परिवार का कोई सहयोग करता है, जब कोई बेसहारा लोगों की मदद करता है, जब किसी बच्चे को, जब किसी का कोई सहारा बनके कोई काम करता है सेवा का, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि सबका भला होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सब मिलजुल कर रहे, एक होकर रहे। इतना कैसे सर इतना समय आप मैनेज कर लेते, निकाल लेते? देखिए इंसान की जिंदगी है, मैं कहता हूँ हर वक्त हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए, दिन रात सुबह शाम जहाँ भी मौका लगे सेवा भाव। और गरीब की मदद करो, गरीब की खिदमत करो, गरीब का भला करो। और जब गरीब का भला करोगे, गरीब आपको दुआएं देगा, गरीब आपको आशीर्वाद देगा। और गरीब का भला करने में इंसानियत है। बिल्कुल सर, आज के दौर में अगर देखा जाए सबसे कीमती जो चीज़ है वो है समय। और हमने देखा आप जनता को समय बहुत देते हैं। देखिए मैं सियासत में ज़रूर हूँ, राजनीति कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ, परंतु सेवा भाव से काम करता हूँ। जहाँ कहीं भी किसी को हमारी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कहीं किसी को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम 24 घंटे अपनी जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं। लोगों का भला करना, लोगों की सेवा करना, यही हमारा मकसद है, यही मिशन है। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, ये सेवा भाव से काम हम करते रहें, हम इसी में खुश हैं। इस समय आप देख रहे हैं रविंदर रैना जी, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के दृश्य। रविंदर रैना जी जो इस समय बड़ी सेवा भाव से, प्रेम से लोगों को जो कि यहाँ पर लंगर वितरित करते हुए, और जहाँ भी कोई सामाजिक या सियासी कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक हो, हमेशा जो रविंदर रैना जी समय देते हैं। और हमने एक कॉल किया इनको क्योंकि हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा था कि इन्हें भी मौका मिलना चाहिए यहाँ पर आकर, क्योंकि बड़ी सेवा भाव करते हैं दी, और ये समय पर यहाँ पर पहुँच गए अपनी टीम के साथ। चलिए हम इनका भी शुक्रिया करते हैं। नेता वही होता है जो कोई भेदभाव ना रखे, जो एक ही काल पर जहाँ पर जनता ने बुलाए पहुँच जाए, ये खूबी है रविंदर रैना में। और इस समय के दृश्य हम आपको बता
दिखा रहे हैं। एडिटर चीफ जो हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के, हम इनका भी शुक्रिया करते हैं। हर महीने ये यहाँ पर लंगर का आयोजन करते हैं। कई सारे लोग जिनके पास एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं होते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति किसी भी समुदाय से हो, एक वक्त का सही पर उन्हें खाना यहाँ पर मिलता है। और आप लोग भी चाहे मौका मिले, कोई भी धर्म का कार्य हो, इसे करने से पीछे ना हटिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।